दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले T20I मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों, इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको इस मैच की यहीं पर मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में सबसे पहले स्कॉट का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जो कि नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करें, 29 रन की एक शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली थी दोस्तों, उससे पहले 12 रन पे आउट हो गए थे, 13 रन इन्होंने करे, बट प्लेयर काफ़ी अच्छे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। मिडिल ऑर्डर में अच्छा जो है कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, सामने वाले के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और एक अच्छी इनिंग्स आपको खेल के दे भी सकते हैं। टक्कर की भाई फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको बोला था इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन करिए, अगर आपने करा होगा तो इसलिए आपने विन भी करा होगा। नंबर 3 बैटिंग करेंगे, लास्ट में 55 रन करे, उससे पहले दोस्तों 40 रन इन्होंने करे थे, फिर 73 रन इन्होंने करे, 51 रन इन्होंने करे, तो रीसेंट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। दोनों विकेट कीपर आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर बैटिंग में बात करें, बलवनी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इनकी भी फॉर्म अच्छी चल रही है, लास्ट में 56 रन करे, उससे पहले 11 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, 35 रन करे, 16 रन इन्होंने करे, 77 रन इन्होंने करे, 38 रन करे। रीसेंट की अगर 6 मैचेस की इनिंग्स देखते हो तो सभी में अच्छा इन्होंने करा है, आप इनको लेके चल सकते हैं। पॉल स्टर्लिंग के बारे में बात करें, लास्ट में इनका सिलेक्शन कम था और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी दोस्तों, ये एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी चल सकते, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और लास्ट में 32 रन इन्होंने करे, एक अच्छा इन्होंने स्कोर करा, उससे पहले 11 रन इन्होंने करे, फिर अगेन 11 रन करे, 8 रन इन्होंने करे, 3 रन इन्होंने करे। आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन मैं अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ, हो सकता है मैं इनको टॉस के बाद अपनी टीम में रख लूँ, वो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, हिटिंग के चक्कर में जल्दी अपना विकेट गंवा देते हैं। हैरी टेक्टर एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट में 3 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 0 पे आउट हो गए, इन मैचेस में नहीं चल पाए थे दोस्तों अभी तक 2 मैचेस में, लेकिन उससे पहले 30 रन इन्होंने करे थे, 32 रन इन्होंने करे, फिर अगेन 36 रन करे, और ये जो 3 मैचेस का स्कोर 30 प्लस इन्होंने करा, ये पाकिस्तान के सामने करा था जिनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, तो यार उनके सामने अच्छा कर सकते हैं, तो मतलब बंदा दम है इसके अंदर और यहाँ पे भी रन कर सकता है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ, सिलेक्शन कम है। डॉकर केल एज ए फिनिशर के रूप में खेलते हैं, आप चाहो तो इनको अपनी टीम में रख सकते हो, फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की हो जाते हैं। लेविट के बारे में बात करें दोस्तों, इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 1 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले 19 रन इन्होंने करे थे, फिर 43 रन इन्होंने करे, 54 रन इन्होंने करे, प्लेयर अच्छे आप रख सकते हो। वैसे तो अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन 2 मैचेस में देखोगे थोड़ा सा स्ट्रगल ये कर रहे थे दोस्तों, बट मुझे लगता है आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो और मैं इनको लेके चल रहा हूँ। विक्रमजीत सिंह एक और अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, ओपन करेंगे, लास्ट रन में 3 रन इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन करे, फिर 39 रन इन्होंने करे, 29 रन इन्होंने करे थे, ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ग्रैंड लीग में तो आँख बंद करके रख लीजिएगा, फिलहाल अभी मैं स्मॉल लीग में इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बरेसी यार थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे ज़्यादा हो जाता है और फॉर्म अगर रीसेंट की देखोगे तो इतनी खास नहीं चल रही दोस्तों, रीसेंट में 5 रन, 2 रन, 0 रन ऐसा इनका स्कोर रहा है। फिलहाल 3 मेरे यहाँ से बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर में यहाँ से बेस्ट लेडी का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करते, लास्ट रन में 27 रन करे, उससे पहले 32 रन इन्होंने करे, फिर 3 रन इन्होंने करे, 58 रन इन्होंने करे, 30 रन इन्होंने करे,
तो आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बंदा आपको बॉलिंग भी करवा के दे सकता है दोस्तों, और पूरे 4 ओवर डालता है, ठीक है। तो कैप्टनसी के लिए भी एक मस्त ऑप्शन होने वाला है। मार्क आदिर के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। मेन चीज़ इनकी बॉलिंग रहती है, ओपन और डेथ में बॉलिंग करवाते हैं। लास्ट ओवर में भी 3 विकेट इन्होंने निकाले, और रिसेंट के 5-6 मैचेस में सभी में विकेट निकालते हुए आ रहे। लास्ट ओवर में 3 विकेट निकाले, उससे पहले 2 विकेट इन्होंने निकाले, फिर अगेन 3 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट 1 विकेट। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मैं इनको लेके चल रहा हूँ। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हो कर सकते हो, अगर इनकी पहले बॉलिंग करती है तो। वहीं दोस्तों यहां से सेबरान के बारे में बात करें, नंबर 3 पर बैटिंग करते, लास्ट ओवर में 2 रन करे, उससे पहले 8 रन करे, फिर 48 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, 0 रन करे, 75 रन करे, तो प्लेयर अच्छे आपके लिए निकल के आ सकते हैं। ट्राई आप कर सकते हो दोस्तों, एक अच्छा ऑप्शन इस मैच में आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन और भी काफी अच्छे ऑप्शन है, तो इसलिए मैं उनके साथ चल रहा हूं। बाकी कैंपर भी एक और मस्त ऑप्शन हो जाते हैं, ये भी बैटिंग बॉलिंग करके दे देते हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, कभी इनके ओवर कट जाते, कभी नहीं कटते, कभी डालते पूरे ओवर, कभी नहीं डालते, लेकिन बॉलिंग आपको कराए नहीं करवाए। बैटिंग नंबर 5 पे कंफर्म रहती है, लास्ट ओवर में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 10 रन इन्होंने करे, फिर 1 रन करे, 22 रन करे, 15 रन करे, 20 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। बॉलिंग से भी इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन बॉलिंग भी करवा लेते, एक अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों, चलेंगे तो आपको वन साइडेड विन करवा देंगे, इसलिए मैं इनको इस मैच में लेके चल रहा हूँ। एलवन वीक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आ सकता है, मेन चीज़ बॉलिंग रहती है। लास्ट ओवर में 3 विकेट निकाले, उससे पहले 0 विकेट, फिर अगेन 3 विकेट, अगेन 3 विकेट, तो प्लेयर दमदार है। साथ ही में टीम को ज़रूरत पड़ेगी बैटिंग की, नंबर 7 पे खेलते हैं, लेकिन बैटिंग पूरी करके दे सकते हैं। डैनली के बारे में बात करें, अब अगर देखो लास्ट ओवर में इन्होंने पूरे ओवर डाले तो कैंपर के ओवर कट गए, उससे पहले वाले मैच में इन्होंने ओवर नहीं डाले तो कैंपर ने 4 ओवर पूरे डाल दिए। आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे रिस्की प्ले लगते हैं दोस्तों, इसलिए मैं अभी नहीं रख रहा। बाकी प्रिंगल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले, और रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, 7 विकेट निकाले, पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल मैं 4 ऑलराउंडर के साथ चल रहा हूँ। बॉलिंग के बारे में वैन मिकरेन अगर खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे, तो हम इनको रख सकते हैं, ओपन डेथ में बॉलिंग करवाते। बाकी दत्त का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 4-1 विकेट के समथिंग इन्होंने निकाले। बाकी किंगमा ओपन डेथ में बॉलिंग करवा लेते तो यहाँ से अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले थे दोस्तों, और रीसेंट के अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करता हूँ तो 9 विकेट के समथिंग इन्होंने निकाले, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। यंग लास्ट मैच में अगर देखोगे दोस्तों, 3 विकेट निकाले थे, सिलेक्शन भी कम था, हमने इनको रखा था। और रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 6 विकेट इन्होंने निकाले, इनको भी आप ट्राई करके चल सकते हो। बाकी वाइट का ऑप्शन होने वाला है, बट इनकी फॉर्म देखोगे लास्ट 5-6 मैचेस में, तो सिर्फ लास्ट जो मैच रहा था दोस्तों वहाँ पे 1 विकेट निकाले, उससे पहले इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहा था, विकेट नहीं निकाल पाए थे, बॉलिंग कई बार ओवर भी कट हो जाते। अगर ग्रैंडली खेल लो तो मैकार्टी को ट्राई करना, पहले बॉलिंग में एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। लास्ट ओवर में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, बट रीसेंट के 6 मैचेस में देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे 9 विकेट ज़रूर इन्होंने निकाले, एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे आपके पास क्लेन का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, लास्ट ओवर में 1 विकेट निकाले, एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। रीसेंट के अगर 5 मैचेस के बारे में बात करें, 3 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले हैं दोस्तों। फिलहाल मैं किंगमा और यंग को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जिनको आप इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, देखिए सेफ जाना चाहते हो तो वैन वीक और मार्क आदिर के साथ जा सकते हो दोस्तों। बाकी फिलहाल मैं बेस को एज ए कैप्टन लेके चल रहा हूँ। वाइस कैप्टन जो मेरे रहेंगे इस मैच में, लॉरेंट टक्कर रहे। फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए।